हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आई एम ग्लैड कि तुम सबको मेरे हॉरर किस्से बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो यार जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइबर्स करा दो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रियल हॉरर किस्से तुम सबके लिए लाता रहूं। तो यार विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर किस्सा है, हमारे साथ राकेश ने शेयर करा है। राकेश हिमाचल का रहने वाला है एंड हिमाचल में वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी, उसके पापा और राकेश, ये तीन लोग रहते हैं। एंड अब जो राकेश है वो सेकंड ईयर में स्टडी कर रहा है, सेकंड ईयर में कॉलेज के। एंड उसके जो पापा हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर है। उन्होंने 4-5 साल पहले एक टैक्सी परचेज़ करी थी। अब वो पहले कुछ अपना अलग काम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, बट रिसेंटली उन्होंने 3-4 साल पहले एक टैक्सी परचेज़ करी थी। अब वो टैक्सी चलाते हैं अपने एरिया में। अब टैक्सी में भी वो लोकल नहीं चलाते थे टैक्सी, वो क्या करते थे, जिस गांव में वो रह रहे हैं ना, उस गांव से मेन सिटी में आना है उन्होंने, और वहां से उन्होंने लंबी लंबी सवारियां पकड़नी है। जैसे 3-4 घंटे के मतलब टाइम पर जो जिन लोगों ने जाना होता था, उन उन लोकेशंस पे लोगों को ले जाते थे और वहां से लेकर आते थे। मतलब लॉन्ग रूट्स करते थे, 1-2 चक्कर मारते थे दिन में, और वो क्या करते थे, सुबह निकल जाते थे 6-7 बजे, अगर लोकल मिले चक्कर तो लोकल मार लिए, और शाम को 6-7 बजे घर आ जाते थे। अब हिमाचल में जल्दी आने का रीज़न रात को ये होता था, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, तो रात को सूरज जल्दी अंधेरा हो जाता है। अब तुम सिर्फ अपनी हेडलाइट के बेसिस पर चला रहे हो तो काफ़ी रिस्क होता है, इसलिए रात को वहाँ जल्दी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, जल्दी लोग ट्रैवल करना बंद कर देते हैं, इसलिए शाम को जल्दी लोग घर आ जाते हैं। राकेश की जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। अब जो किस्सा स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, जहाँ पर राकेश औरों का घर था गाँव में। अब मेन सड़क जो जाती है ना, उस मेन सड़क के इधर और इधर काफ़ी दूरी दूरी पर ना गांव बसे होते हैं। अब वो जो मेन हाईवे होता है वो मेन सिटीज से कनेक्ट करता है, तो मेन जो हाईवे था उसके इस साइड, राइट साइड पे इनका गांव था आगे जाकर। तो अब 3-4 साल पहले राकेश के फादर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेन हाईवे से जो उनका गाँव का डिस्टेंस है, उसके बीच में 3-4 सड़कें जो आती हैं, उनमें से एक सड़क जंगल को कराती है और उसके बगल में शमशान घाट है। तो 3-4 साल पहले उसके पापा शमशान घाट गए थे, किसी रिलेटिव या फिर किसी की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर उसको जलाया जा रहा था। उस बीच उनको ना ऐसा फील हुआ कि उनको ना कुछ दिखा, उनको ये चीज़ फील हुई थी, और जिसकी वजह से ना वो काफ़ी घबरा गए थे। अब उस चीज़ की वजह से हुआ क्या, 3-4 साल बीत चुके थे, जब भी उसके पापा उस रोड से जाते थे ना, कभी भी वो वाली रोड पास करते थे, तो उनको ना हमेशा दबाव महसूस होता था। वो टैक्सी में बैठे होते थे ना, अपनी कार गाड़ी में बैठे होते थे, उनको ऐसा लगता था कि मतलब बेचैनी फील हो जाती थी बहुत, और उनको ऐसा लगता था कि यार इस सड़क को जल्दी से जल्दी क्रॉस करूं। अपने आप ही जैसे ही उस रोड पर आते थे ना, तो एकदम से घबराहट शुरू हो जानी, थोड़ा डर आ जाना मन में, और दबाव महसूस होना, ऐसे लगे कि कोई है, सच में कोई है, और देखे तो कोई भी नहीं है। तो हमेशा उनका ये टारगेट होता था, इस सड़क से जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी निकल जाऊँ। अब ये इंसिडेंट उन्होंने कितनी बार अपनी फैमिली को भी बताया कि यार पता नहीं क्या हुआ है कि मैं उस रोड को जैसे ही क्रॉस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ऐसा फील होता है। राकेश को बताया, राकेश की मम्मी को बताया, उन्होंने काफ़ी बार शेयर करा, बट उन सबका भी कहना यही था यार कि थोड़ा मन का ये वहम है, या फिर तुम मन में बहुत सोचते हो, देखो कुछ हुआ तो है नहीं, तो ये सिर्फ तुम्हारे मतलब थॉट्स हैं, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। तो उसके घर वाले भी ऐसे ही कहते थे, और अंकल बस फील करते थे। अब वो फीलिंग एक्चुअल में कैसी थी वो किसी के साथ एग्जैक्ट वो शेयर भी नहीं कर पाते थे। तो अब क्या होता है, जो राकेश औरों के बगल में ना एक रिलेटिव होते हैं, इनके पड़ोसी होते हैं, तो काफ़ी क्लोज होते हैं इनके, वहाँ पर सिर्फ अंकल आंटी रहते होते हैं। तो अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है एक दिन, जो बगल वाले होते हैं ना पड़ोस वाले, तो अब वो आंटी पहुँच जाती है हॉस्पिटल। अब आंटी, उनके जो रिलेटिव थे वो इनके पड़ोस में यही थे राकेश, और तो ना राकेश के पापा को कॉल करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, थोड़ी ज़रूरत वगैरह होगी, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ। तो राकेश के पापा भी बिना सोचे समझे कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। राकेश के मम्मी और राकेश को बोलते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। अब टाइम हो रहा होता है 7:30, अंधेरा ऑलरेडी हो चुका होता है। अब वो जैसे ही उस रोड की तरफ से जाते हैं, उसके पापा घर भी आ चुके होते हैं, टैक्सी वगैरह अपनी चलाकर उस दिन का काम करके घर भी आ चुके होते हैं। अब फ़ोन कॉल के बाद जैसे ही वो जाते हैं, उस रोड के बाद जैसे ही पहुँचते हैं ना, उनको वही चीज़ जो हमेशा हो रही है उनके साथ, वही चीज़ हो रही होती है। वो थोड़ी दूरी पर पहुँचते हैं, वहाँ पर ना 2 औरतें होती हैं, वो ना लिफ्ट मांगती हैं, मतलब थोड़े बुजुर्ग लग रहे होते हैं, तो वो लिफ्ट मांगते हैं, और इसके पापा रोक लेते हैं कि यार
जा ही रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पैसे भी बन जाएंगे, दिहाड़ी भी बन जाएगी ना, कि किसी को ले ही चलता हूँ, थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। तो वो रोक लेते हैं। वो दो औरतें बोलती हैं, आगे ना हमारे रिलेटिव रहते हैं, उनके बच्चा हुआ है, तो हम उनके पास जा रहे हैं, रात होने की वजह से कोई भी यहाँ पर अभी हमें व्हीकल मिल नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ हमें ड्रॉप कर दो। तो उसके पापा पैसे बताते हैं और कहते हैं चलो बैठ जाओ। तो वो दोनों की दोनों पीछे बैठ जाती है औरतें, और ये निकल पड़ते हैं। अब राकेश के पापा क्या करते थे, अपने ना कान पे ना वायरलेस ब्लूटूथ होता है ना, वो लगाया हुआ होता था, क्योंकि इनकी गाड़ी में जो सिस्टम था ना वो ख़राब हो रखा था, तो उनके कान में ना हमेशा ईयरफोन रहता था, किसी की कॉल आ जाए तो ईयरफोन से ही वो करते थे, बात करते थे। तो उस टाइम राकेश से बात हो रही थी जब वो जा रहे थे, तो ना जैसे ही वो देखते हैं राकेश से बात ही हो रही है, राकेश को बोलते हैं दो मिनट रुक जा, कोई दो औरतें हैं उनको भी बिठा लेता हूँ, उनको बिठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो राकेश भी फ़ोन पर ही है। तो अब जैसे आगे आगे जाते हैं, जाते 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 हैं, तो ना आगे एक लेडी होती है, वो भी रोक लेती है कि भाई रुको रुको मुझे भी आगे जाना है। तो राकेश के पापा रोक लेते हैं। अब जैसे ही वो लेडी बैठती है अंदर कि भाई मुझे भी आगे हॉस्पिटल जाना है, तो राकेश के पापा कहते हैं सही है, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो सीधे हॉस्पिटल तक की सवारी मिलगी तो पैसे भी बन जाएंगे। तो राकेश से भी बात चल रही है साथ ही साथ। अब चलते चलते जो दो बूढ़ियाँ बैठी थी पीछे, जो बुजुर्ग आंटी बैठे थे, तो वो उतरने को बोलते हैं। अब जैसे ही उतरने को बोलते हैं, उनको पैसे बताए होते हैं, राकेश के डैडी उतरते हैं और घूमकर उस साइड जाते हैं, वो दोनों भी उतर चुके होते हैं। तो ना जैसे ही उनको वो पैसे देते हैं, राकेश के डैडी जैसे ही पिक करते हैं पैसे, कुछ ना सिक्के गिर जाते हैं ज़मीन पे। जैसे ही वो झुकते हैं, वो देखते हैं कि वो जो दोनों औरतें थी उनके पैर उल्टे हैं दोनों के। वो बस हड़बड़ी में उठाते हैं और बिना शोर मचाए, क्योंकि उनको पता है वो पहाड़ी इलाके में है कि इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना होता, जैसे तैसे मन में अपने बस घबराहट तो होगी। वो उठाते हैं सिक्के और बस जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलानी शुरू, बिना सोचे समझे तेज गाड़ी चलानी शुरू। चलाते 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 जैसे थोड़ा आगे पहुंचते हैं, अपने बगल वाले को बोलते हैं जो औरत बैठी होती है, कि आपने देखा उनके पैर उल्टे थे। अब राकेश मीन वाइल कॉल पर बोली जा रहा है, पापा 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 बात करो पापा, कुछ सवाल पूछ रहा है पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद जब वो आगे पहुंच गए, तो राकेश के पापा बोलते हैं बगल वाले आंटी को कि आपने उनके पैर देखे, वो उल्टे थे। अब राकेश भी सुन रहे हैं फ़ोन पे, और जैसी वो औरत घूमती है इनकी तरफ और बोलती है कैसे ऐसे, और वो अपने पैर दिखाती है और वो भी उल्टे होते हैं, और राकेश के पापा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट बस बेहोश। अब राकेश फ़ोन पर बोली जा रहा है पापा पापा पापा, उसने भी सुना कि उनके पैर उल्टे थे, और उसके बाद उसके पापा ने कोई बात नहीं करी। ये भी अपने मम्मी को लेकर, आस पड़ोस को लेकर उस सड़क पर निकल पड़ा कि भाई इसी रूट पर गए हॉस्पिटल वाले, कहीं पर मिलेंगे। अब जैसी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि गाड़ी वहीं पर पड़ी है, पापा भी होश पड़े हैं, पापा को उठाते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब अंकल मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे उस इंसिडेंट के बाद, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस उन्होंने क्या करना है, कभी देखना है एक कोने में और रोने लग जाना है, कभी हंसने लग जाना है, कभी पागलों की तरह बस ऐसे ऐसे करना है जैसे उन्हें कोई मार रहा है, पर बोल कुछ रहे नहीं है मुंह से। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स कह रहे हैं इनको सदमा लगा है किसी चीज़ का, जिस वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। पूरे दिन निकलने शुरू हो गए, अंकल का सिर्फ एक ही एक्टिविटी रहती थी, यूँ अपने आप को बचा रहे हैं या हंस रहे हैं या एक कोने में देखकर रो रहे हैं, बस यही एक्टिविटी चल रही है। अब क्या होता है, ये एक्टिविटी चली जा रही है, अब डेली उसकी मम्मी राकेश वगैरह सब वहाँ वेट कर रहे हैं। एक दिन राकेश की मम्मी का पर्स रह जाता है हॉस्पिटल में। अब अंकल क्या करते हैं, उसमें से निकाल कर लिपस्टिक अपने मुंह पर लगा ली, बिंदी लगा ली, सब कुछ लगा लिया, मेकअप सा कर लिया, और जैसे वो सब आते हैं क्या कर रहे हैं अंकल, चल रहे हैं, जैसे जैसे पैर ना तुम सीधा चल रहे हो, अपने पैर उल्टे करने की कोशिश कर रही है तुमने, और ऐसे ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हो लड़कियों की तरह, पर पैर उल्टे हैं। बंदे हैरानी, मतलब क्या एक्टिविटी है, क्यों कर रहे हैं, उनका मुँह माँ धुलाया कि ये मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं, तो उनका ये सब करवा कर उनको लिटा देते हैं कि यार ये दिमाग से थोड़े हिल चुके हैं इसलिए ऐसा कर रहे होंगे शायद। अब कुछ दिनों बाद एक बाबा को दिखाते हैं वो, कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप प्लीज़ कुछ करो। वो बाबा जब चेक करता है तो वो बोलता है कि आपके हस्बैंड के पीछे 3 चुड़ैल बनी है, मतलब वो क्लियरली बोलता है कि आपके पापा के ऊपर 3 चुड़ैल हैं। तो अब राकेश कनेक्ट करता है कि उस दिन पापा ने 2 बंदों को लिफ्ट दी थी, और जब उनको पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहे थे तब भागे थे, और फिर बगल वाली आंटी को बोला था कि उनके पैर उल्टे थे, और उस आंटी ने कहा था ऐसे, और वो बेहोश हो गए थे। तो राकेश को ये समझ आया कि वो तीनों जो थे वो चुड़ैल थे, जिनको उस दिन पापा ने बैठाया था गाड़ी में, और उस दिन के बाद पापा के साथ ये चीज़ इंसिडेंट हुआ। फिर उन अंकल ने, जो बाबा थे, उन्होंने
पूरी पूजा करी, बहुत कोशिश करी इन सब ने भी, बहुत आंटी ने, राकेश ने, कि पापा जैसे तैसे ठीक हो जाएं, कोई भी उनको मतलब जैसे तैसे ठीक हो जाएं बस। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट वो बाबा ने आखिर में बोला कि बहुत देर हो चुकी है और वो इतनी स्ट्रांग है कि आपके पति नहीं बचेंगे। डॉक्टर्स बस यही कहते थे कि ठीक है, वो मानसिक संतुलन उनका ठीक हो जाएगा, दवाई खाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा वो नहीं बचेंगे। और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 दिन जैसे तैसे बीते, महीना बीता, और उसके डैडी बस यही हरकतें करते थे, कहीं भी रोना है देख कर, कभी हंसना है, कभी बचाने की कोशिश करनी है, मेकअप कभी कुछ मिल गया ना तो अपने मुँह वहाँ पर लगा कर लड़कियों की तरह चलने की कोशिश करनी, बट पैर उल्टे करने की कोशिश करके। और सडनली एक दिन मर गए, एक महीना बीता और वो मर गए। ये सारा का सारा शुरू कहाँ से हुआ था? जब वो एक बार शमशान घाट गए थे, वहाँ उन्होंने किसी को देखा था और वो प्रॉबेबली एक चुड़ैल को देखा था उन्होंने, तभी वो उनके पीछे पड़े थे। और वो कभी भी उस रोड से जाते थे उनको दबाव फील होता था, और जब वो उस दिन उनको वो मिले कस्टमर्स, तो वो सारी चुड़ैल ही थी, तीनों की तीनों ही चुड़ैल थी, और उसकी वजह से उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खोया, या फिर वो जैसे तैसे उनको डिस्टर्ब कर रही थी और फिर उस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। और इन्होंने इतनी बार पूछने की कोशिश करी कि किसी और लोगों को कभी उस रोड पर कुछ फील हुआ हो, कभी भी नहीं हुआ, किसी और को नहीं हुआ, खुद राकेश को नहीं हुआ, उसकी मम्मी को नहीं हुआ, उसके परिवार और किसी को भी नहीं हुआ, उसके पापा को ही होता था उस रोड पर, शायद उन्होंने उस शमशान घाट वाले टाइम पर किसी को देखा था, तो सब उसी की वजह से हो रहा हो। बट ये इंसिडेंट राकेश ने शेयर करा और उसने कहा कि कोई उन पर बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि आज तक उस रोड पर किसी के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ सिवाय उसके फादर को छोड़कर। तो कहता कि कोई उन पर बिलीव नहीं करता, बट ये एक्चुअल है, रियल है, जो उनके साथ सच में घटी है चीज़। तो यार तुम सबका इस किस्से के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, क्या लगता है तुम्हें कि क्या रही होगी बात, क्या सच था और ऐसा उन्हीं के साथ क्यों हुआ? तो तुम्हारा जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर किस्से जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपने अपनी स्टोरीज मेरे साथ यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।